निकल गए ना सर, आपको वेट कर रहे थे। सर बीकानेर में किस तरह की तैयारी चल रही है अभी? बीकानेर में जोरदार तैयारी चल रही है। आप मिसमानों के जो सर्वे आ रहे हैं उसमें कांग्रेस की जीत के बहुत अच्छे आसार हैं। और आपकी सक्रियता बता रही है कि 100% इस बार फिर आप चुनाव लड़ रहे हैं बीकानेर पर। निश्चित रूप से जो विनेबल कैंडिडेट का क्राइटेरिया होता है, सब जानते हैं कि मैंने बीकानेर के और राजस्थान के विकास के लिए पूरा प्रयास किया है और आगे भी करते रहेंगे। जो इस बार सर नए प्रयोग हो रहे हैं पार्टी के स्तर पर, सरकार के स्तर पर, सीएम साहब के स्तर पर, कितना फायदा मिल रहा है सर? दो जो 10 गारंटियां दी गई है बजट के अंतर्गत, उससे निश्चित रूप से लोगों को राहत मिली है, उनके बजट में बचत हुई है घरेलू बजट में, और राजस्थान का जो विकास हुआ है उसके कारण एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और कांग्रेस निश्चित रूप से जीतेगी। और ये टिकट अगर 2 महीने पहले दे दिए जाए? 2 महीने पहले दे दिए जाएंगे तो तैयारी का मौका अच्छा मिल जाएगा और लोग अपने अपने चुनाव क्षेत्र में जनसंपर्क अधिक कर पाएंगे। आपकी फिटनेस को लेकर भी बड़ी चर्चाएं हैं, आप पहले से ज्यादा फिट हो गए थे। मैं तो फिट ही हूँ, बीच में साइटिका की प्रॉब्लम तो किसी को भी हो सकती है, 20 साल के जवान को भी हो सकती है। आप देख रहे हो बराबर 18-20 घंटे काम करते हैं रोज। थर्ड गेट को लेकर कुछ संभावनाएं हैं सर? क्योंकि बहुत बड़ा तो तमाम ट्रांसफर पे बैन है, बैन खुलेगा उस समय उनके ऊपर भी विचार किया जाएगा। थैंक यू सर। मैं आता हूँ।